हेलो माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, हाउ इज लाइफ? वेलकम टू लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। दोस्तों, लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा में आपका स्वागत है। आज की क्लास दोस्तों है प्रोनंसिएशन की क्लास, और ये बहुत ही अनोखी क्लास है। अनोखी क्लास इसलिए कह रहा हूँ कि आज की क्लास में मैं आपको ए, जो अल्फ़ाबेट का लेटर है, ए बी सी डी वाला ए, उसके उच्चारण, उसके प्रोनंसिएशन से जुड़ी हुई हर बात बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल की क्लास है, आपको ध्यान से पूरे वीडियो को एंड तक देखना चाहिए और ए के प्रोनंसिएशन से जुड़ी हुई हर बात को सीख लेना चाहिए। आज जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो है प्रोनंसिएशन ऑफ ए, ए का उच्चारण। और दोस्तों, एक एक करके हर बात को ठीक से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि ए एक वाउल है, जिसको वाउल हम कहते हैं। जो लोग पहले से मेरे चैनल को देखते हैं उनको तो पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग आज पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि हम जिसको वाउल बोलते हैं, वाउल, कॉन्सोनेंट, तो वो वाला वाउल, तो एक्चुअली उसका प्रोनंसिएशन होता है वाउल, वा ऊ आधा अ और ल, वाउल। तो ए जो है वो एक वाउल है, और वाउल्स को दो कैटेगरीज में तो बांट ही सकते हैं। एक होते हैं लॉन्ग वाउल्स, एक होते हैं शॉर्ट वाउल्स। तो लॉन्ग वाउल के रूप में जो उच्चारण होता है किसी वाउल का, वो उसका ज़्यादा देर तक वहाँ रुकते हैं उस साउंड पर, और शॉर्ट वाउल के रूप में उस पर कम देर तक रुकते हैं, यही फ़र्क है। तो दोस्तों, ए का उच्चारण लॉन्ग वाउल के रूप में, शॉर्ट वाउल के रूप में, और बाकी कितने तरीकों से होता है यही हम सीखेंगे आज। तो दोस्तों, लॉन्ग वाउल के रूप में ए का उच्चारण, लॉन्ग वाउल, इस प्रकार से होता है। ये मैंने फनेटिक सिंबल्स में लिखा है, आईपीए में, इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो इसको पढ़ते हैं ए, यानी जिसको हम ए बोलते हैं उसका लॉन्ग वाउल के रूप में उच्चारण होता है ए, यही इसका मेन उच्चारण है ए। और इसके कुछ एक एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि कैसे, किन शब्दों में ये लॉन्ग वाउल के रूप में इसका उच्चारण होता है। तो कुछ एक एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ये वर्ड है गेट, जिसको हम लोग बोलते हैं गेट, ओपन द गेट बोलना चाहिए, ओपन द गेट, तो ये होगा दोस्तों गेट। यहाँ मैंने हिंदी में उसका प्रोनंसिएशन लिख दिया है। इस वर्ड में ए का उच्चारण लॉन्ग वाउल की तरह होगा। दूसरा वर्ड है दोस्तों एबल, जिसको हम लोग बोलते हैं एबल, आई एम एबल टू डू इट, ये सही उच्चारण नहीं है, आई एम एबल टू डू इट, इस प्रकार से बोलना चाहिए एबल। तो दोस्तों, मैंने लिख दिया उच्चारण यहाँ पर एबल। उसके बाद है दोस्तों फेमस, और ही इज़ वेरी फेमस, इस प्रकार से बोलना चाहिए, ना कि ही इज़ वेरी फेमस, फेमस नहीं होगा दोस्तों, फेमस होगा, ही इज़ वेरी फेमस। तो ये है दोस्तों फेमस। डेट, डेट नहीं होगा दोस्तों, वॉट इज़ द डेट टूडे, इस प्रकार से नहीं बोलेंगे हम, बोलेंगे वॉट इज़ द डेट टूडे। तो ये है दोस्तों डेट। ये था दोस्तों पहला उच्चारण लॉन्ग वाउल के रूप में। लेकिन लॉन्ग वाउल के रूप में तो एक ही उच्चारण है ए का, शॉर्ट वाउल के रूप में इसके बहुत सारे उच्चारण हैं, और वही आज की क्लास में हम सीखेंगे, और वही इस क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज मैं आपको बताता हूँ। तो शॉर्ट वाउल के रूप में जो प्रोनंसिएशन नंबर वन, पहला उच्चारण है, वो है ए। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये फनेटिक सिंबल में लिखा है मैंने ए, यानी डिक्शनरी में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप फनेटिक सिंबल सीखना चाहते हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि ए का उच्चारण लॉन्ग वाउल के रूप में कब होता है, शॉर्ट वाउल के रूप में कब होता है, क्या इसके नियम हैं, क्या इसके रूल्स हैं, तो हाँ हैं रूल्स, और ये फनेटिक सिंबल्स आपको सीखने होंगे। तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फनेटिक्स। उस प्लेलिस्ट में आपको आईपीए, इंटरनेशनल फनेटिक अल्फ़ाबेट के ऊपर वीडियोज़ मिल जाएंगे, और ये जो रूल्स हैं वाउल, शॉर्ट वाउल, लॉन्ग वाउल के रूल्स, स्ट्रेस के रूल्स, सिलेबल स्ट्रेस के रूल्स, इन सब के ऊपर अमेजिंग वीडियोज़ हैं। आप चाहें तो उनको देख करके ये सारी बातें सीख सकते हैं। फिलहाल तो आज हम ये सीखेंगे कि ए के कितने साउंड हैं। तो दोस्तों, जो पहला शॉर्ट वाउल के रूप में साउंड है वो है ए का साउंड, और ये किस तरह के वर्ड्स में ये साउंड इस्तेमाल होता है उसके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। जैसे पहला वर्ड है एप्पल, एप्पल में शॉर्ट वाउल के रूप में ए का उच्चारण होगा। अच्छा दोस्तों, ये जो ए बोला जाएगा, ये जो जॉज होते हैं हमारे जबड़े, ये बिल्कुल नीचे हो जाने चाहिए, एप्पल एप्पल ऐसे बोलेंगे, गले को खोल कर एप्पल बैग, उस प्रकार से बोलना है। तो एप्पल बैड, ही इज़ वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड, इस प्रकार से बैड। कैट, ओ सच अ ब्यूटीफुल कैट, कैट कैट, बैड एप्पल, इस प्रकार से उच्चारण करना है। तो शॉर्ट वाउल के रूप में दोस्तों ये इसका पहला साउंड था ए का। दूसरा साउंड देखते हैं, दूसरा साउंड है दोस्तों आ का। ये फनेटिक सिंबल में लिखा है, डिक्शनरी में इस प्रकार से लिखा होगा आ, ऐसे लिखते हैं। किसी वर्ड का जब प्रोनंसिएशन आपको देखना हो, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका प्रोनंसिएशन लिखा होता है।
इसको बोलेंगे दोस्तों आ, और ये किस तरह के शब्दों में आपको मिलेगा, ये दोस्त जैसे बास, आई वॉन्ट टू टेक बास, मैं नहाना चाहता हूँ, स्नान को बोलते हैं बास, फास्ट इज वेरी फास्ट, डोंट ड्राइव सो फास्ट, हम बोलते हैं ना इतनी तेज़ी से गाड़ी मत चलाओ, फास्ट, समय देख रहे आप आ का साउंड है, तो इन ये जो शॉर्ट वाउल के रूप में इसका आ का साउंड है वो इस तरह के वर्ड्स मिलेगा, आस्क आस्क, नहीं तो कार, He's got a beautiful car. Oh, what a nice car. ये जो दोस्तों र है ये मैंने ब्रैकेट में लिखा है, वो इसलिए लिखा क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में इस र का उच्चारण नहीं होगा. एक ब्रिटिश इंग्लिश का नियम है आर के बारे में कि अगर किसी वर्ड के एंड में आर हो, आर से ख़त्म हो रहा हो, उस आर का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होता, अमेरिकन में होता है. तो र को ब्रैकेट में लिखने का ये मतलब है कि इस र का उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में नहीं होगा, अमेरिकन में होगा. अच्छा दोस्तों ये था आ का साउंड. तीसरा साउंड देखते हैं शॉर्ट वाउल के रूप में, ए का साउंड क्या होता है, तो वो है दोस्तों अ, और ये फोनेटिक सिंबल इसका इस प्रकार से होता है, ए लिखते हैं और बीच में वो ए में जो डंडी होती है वो नहीं है, अ. ये किस तरह के वर्ड्स में ये साउंड होगा, ये दोस्तों जैसे बट, बी यू टी बट हम बोलते हैं ना, बट, इसको बट ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बट, बट, गम, ये भी गम नहीं हुआ, च्यूइंग गम. उसके बाद है दोस्तों कप, What is my cup? Cup, cut, cut. मतलब जैसे मतलब काटना, इनको cup, cut, gum, butt ऐसे नहीं बोलना है. उसका दोस्तों shut, shut the door please, shut, न कि shut, shut नहीं होगा, shut. तो आप देखें दोस्तों इनमें पूरा जो अ होता है उसका साउंड है. अगला जो शॉर्ट वाउल है दोस्तों वो है इस तरह का फोनेटिक सिंबल है इसका, जैसे ए को उल्टा लिख दिया गया हो और ये आ से ज़रा सा ऊपर अ का साउंड है, अ. किस तरह के वर्ड से मिलेगा आपको ये साउंड, वॉज, ही वॉज अ नाइस मैन, इट वॉज हिलेरियस, बोल रहे किसी चीज़ को के बारे में, वॉज या वॉन्ट, आई वॉन्ट टू गो, तो वॉन्ट, वॉज, क्वालिटी, क्वालिटी पढ़ेंगे इसको न कि क्वालिटी, और हम में से बहुत लोग इसको क्वालिटी भी पढ़ लेते हैं, न क्वालिटी होगा न क्वालिटी होगा, खो खो ज़रा सा ऊपर उठाएंगे आ से, अ का साउंड क्वालिटी, तो ये अ का साउंड है दोस्तों जो ए से बना. अब हम आते हैं अगले साउंड पर जो शॉर्ट वाउल है ए का, क्या साउंड निकलता है, ये साउंड है दोस्तों आधा अ, ये ई, जैसे ई को उल्टा लिख दिया गया हो ये लिखा मैंने, इसको बोलते हैं द श्व साउंड, श्व साउंड का मतलब होता है आधा अ, और ये किस तरह के वर्ड्स में होता है ये हम सीख लेते हैं. तो ये वर्ड है दोस्तों जैसे अबाउट, अगर आप देखेंगे अबाउट में आधा अ से स्टार्ट किया मैंने, इसमें जो ए है उसका उच्चारण आधा अ होगा, अबाउट, अराउंड, अराउंड, इसमें भी आधा अ का इस्तेमाल हुआ है, ज़ेब्रा. अच्छा दोस्तों ये वर्ड ए से ख़त्म हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर एक रूल बता दूँ कि जितने भी वर्ड्स इंग्लिश में ए से ख़त्म होते हैं उनमें ए का उच्चारण आ नहीं होता, आधा अ होता है, और आप उसको आधा अ बोल सकें इसके लिए आपको उसके बिल्कुल पहले जो भी वाउल होगा यानी वाउल होगा उसी पर जोर देना होगा, उसी पर ज़्यादा देर तक रुकना होगा, उसी पर स्ट्रेस होगा, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे ज़ेब्रा. आप देख रहे हैं ब्र के बाद ब्रैकेट में आधा अ है, आ का साउंड नहीं है, ज़ेब्रा नहीं होगा, ये होगा ज़ेब्रा. तो यहाँ दोस्तों ऐसे आधा अ बना इन सारे वर्ड्स में. एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, एडजस्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं एडजस्ट, ए डी J-U-S-T, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है adjust, और वो आधा अ से स्टार्ट होता है, जैसे अबाउट या अराउंड स्टार्ट हुए adjust, उसमें डी साइलेंट होता है adjust. उसके बाद दोस्तों जो अगला साउंड है ए से जो बनता है शॉर्ट वाउल के रूप में वो है ए और आधा अ, ए, ये इस प्रकार से फोनेटिक सिंबल में लिखा होगा डिक्शनरी में आपको मिलेगा, और साउंड है ए और आधा अ, ए. ये किस प्रकार के शब्दों में होता है तो दोस्तों ये वर्ड पेरेंट, ये आप देख रहे हैं हम नहीं बोलते पेरेंट्स, इसी में एस लगा होता है, तो एक सिंगुलर होता है पेरेंट और प्लूरल होता है पेरेंट्स, तो ये दोस्तों फे के बाद आधा अ है पेरेंट, तो ए प्लस अ, पेरेंट, पेरेंट, ये शुद्ध उच्चारण है, हम बोलते हैं पेरेंट जो भी हम बोलते हो, बट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है पेरेंट. यह दोस्तों खैर, हम बोलते हैं टेक केयर, तो ये दोस्तों खैर, तो ए से यहाँ पर ए और आधा अ का साउंड बना ए, खैर. उसके बाद दोस्तों
स्क्वायर, जिसको हम लोग कई बार स्क्वायर भी बोलते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर नहीं होगा दोस्तों, स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ए का साउंड और आधा अ का साउंड है, व प्लस ए है, व और आधा अ, स्क्वायर। तो दोस्तों ये ए और आधा अ का साउंड ऐसे बना। अगला जो साउंड बनता है दोस्तों, वो आपको एकदम हैरानी हो जाएगी सुन करके, क्योंकि वो अगला साउंड ई का बनता है दोस्तों, ऐसे ऐसे ई का साउंड। तो ये इंग्लिश में यही उच्चारण का यही हिसाब किताब, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ई का साउंड दोस्तों किन वर्ड्स में बनता है, ये वर्ड्स इस प्रकार के दोस्तों, प्राइवेट, प्राइवेट, हम बोलते हैं ना प्राइवेट, प्राइवेट जॉब, प्राइवेट नहीं हो प्राइवेट लाइफ, प्राइवेट विट, ऐसे यहाँ पर ई बना दोस्तों, प्राइवेट। क्लाइमेट, हम बोलते हैं ना क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट, क्लाइमेट, ऐसे ई का साउंड होना, क्लाइमेट। प्राइवेट, विलेज, जिसको बोलते हैं विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज, आई एम गोइंग टू माई विलेज, ये दोस्तों ऐसे, यहाँ आई से तो ई बना ही, वी, वी आई से वी बना, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ डबल एल के बाद जो ए है उससे भी ई बना, लिज, लेज नहीं हुआ, विलेज, 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 इस प्रकार से बोलना है। तो दोस्तों ऐसे ई का भी साउंड बना। अब हम सीखते हैं दोस्तों ऐसे ओ का साउंड कैसे बनता है। तो ये रहा दोस्तों उसका फोनेटिक सिंबल है ये, और ये साउंड है ओ, और ये किस प्रकार के शब्दों में इस्तेमाल है आपको बहुत हैरानी होगी। ये वर्ड जैसे, अच्छा इसमें एक चीज़ है दोस्तों सीखने के लिए, कि इसमें दो रूल्स और हैं, मतलब इसके सब रूल्स हैं। वो रूल ये है कि बिफोर फाइनल डबल एल, ये जो ओ का साउंड बनेगा ऐसे, किसी वर्ड के एंड में अगर डबल एल हो और उसके पहले ए हो तो उसको हमेशा ओ पढ़ना चाहिए, ऐसा नियम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा वर्ड देख लेते हैं, जैसे सी ए डबल एल, अब अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड डबल एल से ख़त्म हो रहा है, उसके पहले ए है, इस ए को आपको ओ पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, खोल, हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल, कॉल मी बोलना चाहिए, खोल मी प्लीज, कुड यू खोल मी प्लीज, कुड यू खोल मी टुमारो, इस प्रकार से बोलना चाहिए। बॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल, बड़ी अच्छी बॉल थी, स्पिन बॉल, बॉल होगा दोस्तों, ओ व्हाट अ बॉल, नाइस बॉल, स्पिन बॉल। उसके बाद दोस्तों टोल, टोल, ओ ही इज वेरी टोल, इस प्रकार से बोलेंगे, खास करके आर पी, रिसीव्ड प्रोनंसिएशन, जिसको ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोनंसिएशन का सबसे अच्छा फॉर्म मानते हैं, उसमें खास करके उसमें क्या यही प्रोनंसिएशन है। तो दोस्तों खोल, बोल, टोल, इस प्रकार से बोलना चाहिए, ना कि कॉल, बॉल, टॉल, ये उच्चारण नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ओ का साउंड जो बनेगा उसका एक और भी रूल है, बिफोर एल, किसी वर्ड में अगर एल के पहले ए हो तो उससे भी ओ का साउंड बन सकता है। कैसे, जैसे कुछ एक वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वर्ड है दोस्तों ऑलमोस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं ऑलमोस्ट, यानी लगभग, ही इज ऑलमोस्ट डेड, ऐसे बोलते हैं लोग, ही इज ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट, यहाँ लिखा दोस्तों ऑलमोस्ट। अच्छा दोस्तों ये मोस्ट क्यों लिखा, मोस्ट क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए कि जिसको हम ओ समझते हैं, हमको बचपन से सिखाया गया एम एन ओ, वो ओ नहीं होता, वो एक्चुअली आधा अ और ऊ होता है। अ, आप ये सब सीखना चाहते हैं अगर अल्फ़ाबेट में जितने भी लेटर्स हैं उनका क्या प्रोनंसिएशन, अगर आपको ये सीखना हो तो जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई थी लर्न इंग्लिश प्रोनंसिएशन एंड फोनेटिक्स, उस प्लेलिस्ट में आपको अल्फ़ाबेट के में जो लेटर्स हैं उनके प्रोनंसिएशन के ऊपर एक मेरा वीडियो है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इसको पढ़ेंगे ऑलमोस्ट। उसके बाद दोस्तों ये वर्ड है ऑलवेज, जिसको बोलते हैं ऑलवेज, हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज नहीं हुआ दोस्तों, ये प्रोनंसिएशन यहाँ लिखा मैंने ऑलवेज, विज। अच्छा दोस्तों यहाँ एल के पहले ए है तो इससे ओ बना, और यहाँ पर जो ए है उससे ई बना, ऑलवेज, जो ई अभी सीखा था हमने कि ए से कैसे ई बनता है, इसको बोलेंगे दोस्तों ऑलवेज, ही इज ऑलवेज बिजी, वो हमेशा बिजी रहता है। अच्छा दोस्तों ये सारे साउंड थे, अब मैं साइलेंट ए का आपको रूल एक बता देता हूँ। साइलेंट ए का एक ही रूल है, इसीलिए मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर कि ए साइलेंट कब कब हो सकता है। तो दोस्तों ये जो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, थोड़े से वर्ड्स लिखे मैंने, पहला है लॉजिकली, लॉजिकली, इसको लॉजिकली नहीं बोलना है। तो इस प्रकार के वर्ड्स जो ए डबल एल वाई से ख़त्म होते हैं उनमें ए साइलेंट होगा, तो इसको पढ़ेंगे दोस्तों लॉजिकली, यहाँ लिखा मैंने, बेसिकली, इसको भी बेसिकली, बेसिकली, आई एम वेरी ऑनेस्ट, ऐसे नहीं हमको बोलना है, बेसिकली, बेसिकली, लॉजिकली, ऑटोमेटिकली, रोमांटिकली, इस प्रकार के वर्ड्स, जितने भी क्ली वाले वर्ड्स हैं,
सब में ए साइलेंट होगा। तो दोस्तों ये ए के बारे में लगभग पूरी जानकारी थी, मुझे नहीं लगता कि कुछ छूटा होगा, सारी जो मेजर मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बता दी। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि इन रूल्स को फॉलो करके आप कमाल का प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिर से आपको इसी तरह की कमाल की कोई चीज़ बताने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप अच्छे तरीके से उच्चारण कर सकें, खूबसूरत इंग्लिश बोल सकें और लोगों के सामने आपका कम्युनिकेशन काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। कोई भी अगर ऐसा टॉपिक है दोस्तों जो आपको परेशान कर रहा है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए उस पर एक वीडियो बना दूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे जितना भी टाइम लग जाए मैं आपको उस पर वीडियो बना करके ज़रूर दूंगा। ज़रूरतमंद इंसानों की मदद ज़रूर करनी चाहिए अगर कर सकते हैं तो, जानवरों की चिड़ियों की मदद हमको ज़रूर करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।